हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन को कैसे डाउनलोड करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है बिना स्किप किए, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन 2022 को डाउनलोड करने का क्या तरीका है। तो इसमें जो है आप लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तभी जाके ये डाउनलोड होगा। पहले ऐसा प्रोसेस नहीं होता था, और ये जो है 2021 के बाद इन्होंने कर दिया है। तो इसमें जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, पहला जो डॉक्यूमेंट, आपने जब भी कॉलेज या हाई स्कूल में आपने एडमिशन करवाया होगा तो उस समय आपका स्लिप कटा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में रसीद कहते हैं, वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। फिर सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका जो है, आपके आपने जब भी कॉलेज आपका जो अमांटन हुआ था, जिसको हम लोग अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, वो सेकंड नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है। तो थर्ड नंबर पे डॉक्यूमेंट जो आता है वो है स्कूल या कॉलेज का आपका आई कार्ड। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन 2022 में आप लोगों को जरूरत पड़ने वाला है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपका PNG, PDF या GIEF, इन सभी में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे STDP चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, अपना लैपटॉप ले लेना है, उसमें आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है डिस्प्ले पे, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है ऑटो कैड स्टूडेंट वर्जन, आपको जल्दी से टाइप करके इंटर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, कुछ हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, नेट जो है थोड़ा सा स्लो है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ चुका है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक किए हैं, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग नया नया यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉग इन करेंगे। तो फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग के सामने कुछ खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपना कंट्री जो है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो, आप अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। तो हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया से इंडिया हम लोग सिलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर चुके हैं। फिर आपको एजुकेशन रोल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप स्टूडेंट हो, एजुकेटर हो या स्कूल IT एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी हो, तो आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशन टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप हाई स्कूल से बिलोंग करते हो या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो डेट ऑफ बर्थ डालोगे वो डॉक्यूमेंट में जो आपका रहेगा वही आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं कोई सा भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे ले लिया है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे आप अपना डाल लेना। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है। और फिर आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको आपको फिलअप कर लेना है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना डाल लिया, फिर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी प्रेस करना है, फिर नीचे वाले कंफर्म ईमेल पे आके फिर आपको कंट्रोल बी को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे सेम जो है ईमेल आईडी आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है बना लेना है। तो ऐसा आप लोगों को पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, कुछ नंबर भी होना चाहिए और कुछ यूनिक डिजिट भी होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया है। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा यहाँ पे सेव हो गया है।
फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ तो आप लोगों के जीमेल पे जो है आपका वेरिफिकेशन लिंक गया है, फिर आपको अपना जीमेल ओपन करके वहाँ पे आपको अपना ईमेल जो है वेरीफाई करना है। तो मैं ऑलरेडी इसमें जो है जीमेल लॉगिन किया हूँ, तो मैं अभी देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या वो मेल आया है या नहीं आया है। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे सामने जो है हमारा मेल जो है आ चुका है। तो फिर आप लोगों को भी क्या करना है, अपना जीमेल ओपन करना है, फिर वहाँ से अपना वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे इन्होंने क्लिक करने के लिए बोला है। तो वेरीफाई ईमेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डन कर देंगे और डन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है आपका जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे इनरोल्ड डेट पूछा जा रहा है, मतलब आप कॉलेज में कब इंटर किए थे, तो यहाँ पे आपको मंथ डाल देना है और फिर आपको अपना ईयर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस कॉलेज से आपका डिग्री कब खत्म हुआ या कब खत्म होने वाला है फिर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो फिलअप करने के बाद आपको जो है तो यहाँ पे आप अपना फिलअप कर लेना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है यहाँ पे अकाउंट जो है मेरा सेट हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ, तो मैं आप लोगों को बता दूं तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है और फिर आपको सिंपल सा यहाँ से अब आपको डाउनलोड का प्रोसेस पे बढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑटो कैड डाउनलोड करना था, तो हम लोग ऑटो कैड यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे ऑटो कैड जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास मैक है तो ऑटो कैड मैक के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो हम लोगों के पास सिंपल सा अभी लैपटॉप है, तो फिर आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे डाटा है वो सभी डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपका कोई गलत है तो इसको सुधार कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इन्होंने स्पर्श लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने पहला जो मांगा आपसे रसीद मांगा, सेकंड जो है आपका अलॉटमेंट लेटर और थर्ड जो है आपका स्टूडेंट आईडी मांगा है। अगर आपके पास आपके स्टूडेंट आईडी में अगर फोटो नहीं भी है तो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक है और यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने ये भी लिखा है कि आपका जो भी फॉर्मेट हो जेपीजी पीडीएफ पीएनजी जीआईएफ मोड में होना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पे ड्रैग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का आएगा। तो फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो है तीन आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपना अपलोड करना है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स बना लेना और उसको अपलोड करना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया हूँ। तो आपको अपना जो है ओरिजिनल यहाँ पे डालना है। फिर जो है आप जब तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑटो डेस्क के द्वारा जो है थैंक यू यहाँ पे मैसेज आ चुका है और ये जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके कॉलेज से जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाला है वो वेरीफाई किया जाएगा और अंडर आपको 1 से 2 दिनों में आपका जो है मेल पे लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली उसको डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने स्टेप बताया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चाहे अगर आप लोग टीडीपी के सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, वहां पे आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज या कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट का जो टाइम है यहाँ पे 10 से 6 के बीच में है, तो आप लोगों को इसी बीच में आपको कॉन्टेक्ट करना है टीडीपी ऑफिस नंबर पे।
और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे स्टडी पी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे पे भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को बता दूं, तो TDP के चैनल पे जॉब की वैकेंसी की भी अपडेट दी जाती है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जॉब निकलते हैं उन सभी की अपडेट हमारे इस चैनल पे मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज का फायदा मिलने वाला है, तो जल्दी से चैनल से आप लोग जुड़ जाओ। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, तो ऑटो कैड का जो सीरीज चल रहा था वो सीरीज जो है अब रेगुलर होने वाला है, बहुत ही जल्द मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, उस पर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।